अब इस कांग्रेस की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको खत्म करो और अपने अपने विचारों के अनुसार अपनी अपनी पार्टियों का निर्माण करो। मैं तो स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि आप इसमें मोदी जी को भी विशेष मत मानिए, उनके विचार को विशेष मानिए। अगर विचार है तो आज जिस स्थिति में विश्व मोदी जी को मान रहा है तो वो सिर्फ उनका विचार है। उत्तराखंड में बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से तीन तीन, जो पांच लोकसभा सीटें हैं, तीन तीन सीटों को लेकर ऐलान हो चुका है उम्मीदवारों को का, और दो सीटों पर मंथन जारी है। इन तीनों उम्मीदवारों को आप कैसे देखते हैं और लोकसभा चुनाव कितना अहम, क्योंकि देखिए आपने जिक्र किया बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री है आप और डबल इंजन की सरकार यहां पर चल रही है, प्रधानमंत्री खुद 400 पार का नारा दे रहे हैं और लगातार बेहद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, और उत्तराखंड में मौजूदा स्थिति को आप कैसे देखते हैं, चुनावी माहौल को कैसे देखती हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। जी मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगी, राजनीति में आधा झूठ चलता है आप सबको पता है, लेकिन मैं अपनी राजनीति को बिल्कुल जो की त्यों धर दीनी चदरिया, 35 साल की राजनीति में मैंने तो कभी असत्य नहीं बोला है, मैंने सत्यता के आधार पर पूरी राजनीति करी है और उसमें मैं सफलतम हूं, ये मुझे पता है। लेकिन इसमें एक चीज जरूर कहूंगी कि आज के परिपेक्ष में चुनाव मींस मोदी है तो मुमकिन है, आप किसी को भी चुनाव लड़ाइए, चुनाव हम ही को जीतना है, ये 100% है और 400 पार तो होना है, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा इंदु बालाजी, अभी हाल ही में सीएए को जिस तरह से सीएए को लेकर अधिनियम को जिस तरह से रखा गया है और अब उसका विरोध भी शुरू होने लगा है, उत्तराखंड में भी तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर ये इसे लागू किया गया है बीजेपी की तरफ से, इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया होने वाली है? देखिए स्वाति जी, विचार होता है, विचार कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता। मैं तो स्पष्ट रूप से कह सकती हूं कि आप इसमें मोदी जी को भी विशेष मत मानिए, उनके विचार को विशेष मानिए। अगर विचार है तो आज जिस स्थिति में विश्व मोदी जी को मान रहा है तो वो सिर्फ उनका विचार है, और वो विचार कहां से आया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से आया। हमारे जितने पुराने लोग रहे हैं उनके विचारों को हमने पकड़ा है। विचार अगर किसी पार्टी के पास है तो वो पार्टी सुदृढ़ होगी और दूर तक शासन करने में उसके पास क्षमता भी होगी, लेकिन अगर विचार ही नहीं है, जैसे मैं कांग्रेस के लिए एक बात कह सकती हूँ, एओ ह्यूम ने उनको रचना की इस पार्टी की, सबको पता है, और ये भी आपको, आप सब जो सुन रहे हैं मुझे उनके भी संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि एओ ह्यूम ने बहुत अच्छा कार्य किया था भारतवर्ष के लिए, कि उन्होंने एक मंच, एक छाते के नीचे हम सबको लाने की कोशिश करी ताकि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम को अच्छी प्रकार से लड़ सके। और मैं ये भी जानती हूं और आपको भी पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म बाद में होता है, पूरा भारत पहले कांग्रेसी ही था, आप किसी बड़े नेता को ले लीजिए सब कांग्रेसी थे, लेकिन महात्मा गांधी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी लेकिन कांग्रेसियों ने उसको सुना नहीं। 48 में महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि अब इस कांग्रेस की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको खत्म करो और अपने अपने विचारों के अनुसार अपनी अपनी पार्टियों का निर्माण करो। वो बात नहीं मानी गई और आज जो कांग्रेस का हश्र है वो उसी कारण से है कि उसके पास कोई विचार नहीं है। बीजेपी के पास भारतीय संस्कृति के साथ साथ पूरे विचार, पूरी सुदृढ़ता से विचारों पर आधारित पार्टी है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे वृद्ध हो, हर एक की उपयोगिता किस प्रकार होनी चाहिए उसी विचार से हमारी पार्टी चलती है। और पार्टी को चाहे दो लोगों
दो सांसद थे हमारे, हमारे अजय भट्ट जी बहुत अच्छी तरह कहा करते हैं कि हम किसी मुर्दे को ले जाना चाहें तो चार लोग भी नहीं थे हमारे पास में, लेकिन आज हम 400 पार की बात करते हैं। ये सब हमारे विचारों की सुदृढ़ता और उसका धरातल पर ले आने की वजह से ही संभव हुआ है। और मैं इसमें विशेष रूप से जोड़ती हूँ कि देखिए, कोई भी प्रकाशित करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। बिल्कुल, वेद में श्रुति में सब ज्ञान भरा पड़ा है। जब तक उसको कोई प्रकाशित करने वाला नहीं होता, तब तक किसी भी प्रकार से उसका उपयोग साधारण जन तक जा ही नहीं।